आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाणी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई हवाई फायरिंग। श्रीलंका में आपातकाल के बीच हालात हुए बेकाबू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए हैं। वायुसेना के विशेष विमान से वह सपत्नी व दो अंगरक्षकों के साथ मुल्क से फरार हो गए हैं। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबरों से प्रदर्शनकारी फिर से भड़क गए हैं। सेना व प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया है। हालांकि मालदीव में भी विरोध शुरू हो गया है। अब देखना है कि राजपक्षे कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने से किया इनकार। अब 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जमीयत की याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगा। इस हफ्ते 33 फिल्मों के बीच भाषाई घमासान। क्रिकेट, हॉरर, फैंटेसी और मार्शल आर्ट्स का रहेगा मुकाबला। भारतीय भाषाओं के फिल्मों के निर्माता भी भाषाई बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं। तकरीबन हर फिल्म अब सब टाइटल्स के साथ ही सेंसर हो रही है। इस शुक्रवार को रिलीज हो रही 33 फिल्मों को लेकर भी दर्शकों में खास दिलचस्पी है। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा 6 फिल्में कन्नड़ में और उसके बाद तमिल में 5 और हिंदी में 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। एमपी के टीकमगढ़ में भाजपा विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री में हुई झड़प। मुरैना में बसपा प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ा। मध्य प्रदेश के 43 जिलों के 214 निकायों में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान टीकमगढ़ में नगरीय निकाय मतदान के समय भाजपा विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई है। श्रीराम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग तेज। सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट श्रीराम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने स्वामी की याचिका पर 26 जुलाई को सुनने का आश्वासन दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को श्रीराम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश दे। भारत ने पाकिस्तान को छोड़ा पीछे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में तीसरा स्थान किया हासिल। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में जीत का फायदा मिला है और अब टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से ऊपर आ चुकी है। भारत के पास 108 रेटिंग पॉइंट हैं जबकि पाकिस्तान के पास 106 रेटिंग पॉइंट हैं। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 89 लोगों की मौत। गुजरात में 70 से अधिक लोगों की गई जान। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। आसमानी आफत में दोनों राज्यों में अब तक 150 लोगों ने जान गंवाई है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे अधिक बुरा हाल है तो वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में एक स्कॉर्पियो बारिश के पानी में बह गई। इसमें 6 लोग सवार थे, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। किसान मोर्चा के नेताओं में पड़ गई बड़ी फूट। अब एमएसपी और अग्निपथ को लेकर जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा में बड़ी फूट पड़ने की बात सामने आ रही है। किसान मोर्चा का आरोप है कि कई नेताओं ने चुनाव भी लड़ा है। किसान मोर्चा ने चुनाव लड़ने वाले नेताओं से किनारा करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा करते हुए पंजाब के सुनाम में 31 जुलाई तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 अगस्त को किसानों की पंचायत बुलाकर आंदोलन को नए सिरे से धार देने की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस ने बढ़ाई चिंता। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,000 के पार, 45 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,457 हो गई है। इस दौरान 45 मरीजों की जान चली गई। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। कोरोना वायरस को लेकर WHO के चीफ ने दी बड़ी चेतावनी, बोले अभी खत्म नहीं हुई है महामारी, रहें सावधान। WHO के चीफ टेड्रोस अदनहोम गेब्रेहेसुस ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें और सावधान रहें। चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया ने की करोड़ों रुपए के कस्टम ड्यूटी की चोरी, DRI ने जांच में किया पर्दाफाश। चीन के एक और मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया पर टैक्स की चोरी के आरोप लग रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ओप्पो इंडिया द्वारा 4,389 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी की चोरी के मामले का पता लगाया है। जांच के बाद ओप्पो इंडिया को 4,389 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी के भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अगले हफ्ते सुनवाई, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हिजाब मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। इस पर चीफ जस्टिस NV रमन ने अगले हफ्ते सुनवाई का भरोसा दिया है। सपा से तकरार के बीच मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने ट्वीट कर शेयर की मुलाकात की तस्वीर। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से गठबंधन से अलग होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कुछ तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह मुलायम सिंह यादव से वार्ता करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों में मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट का जबरदस्त क्रेज, आते ही खाली हो जा रहा है स्टॉक। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर PM मोदी और UP के CM योगी आदित्यनाथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। कांवड़ियों के बीच मोदी और योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट का जबरदस्त क्रेज है। ज्यादातर कांवड़िए मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर ही बोलबम का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मायावती का बड़ा बयान, एक साथ कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विरोध जताया है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है। मेरठ जिले में ट्रक पलटने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मेरठ जिले में बागपत रोड पर पांचली खुर्द गांव के पास आज सुबह अचानक एक ट्रक पलट गई। इस हादसे में ट्रक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। हादसे से आहत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, मेरठ के यात्रियों की कार खाई में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे मेरठ के यात्रियों का वाहन बुधवार की सुबह हादसे का शिकार हो गया। SDRF टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नदी के किनारे गाड़ी की नंबर प्लेट, कैरी बैग, मोबाइल व आधार कार्ड मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी नदी में गिर गई है। चीन में फिर बढ़ रहा है लॉकडाउन का खतरा, 15 दिनों से लगातार गिर रहा है शेयर बाजार, इकोनॉमी हो रही चौपट। कोरोना वायरस का साया एक बार फिर से चीन की अर्थव्यवस्था पर मंडराता नजर आ रहा है। इसका असर चीनी शेयर बाजारों में लगातार गिरावट के रूप में दिखाई भी देने लगा है। निवेशकों में फिर से लॉकडाउन लगने की चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन खतरे में आती दिख रही है।
मेरठ में हाजी याकूब पर कसा शिकंजा, 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात। मेरठ में अवैध रूप से मीट का कारोबार करने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की करीब 100 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के घर सराय बहलीम पहुंचकर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। वहीं कुर्की की कार्रवाई की खबर लगते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि पुलिस ने भीड़ को लाठी फटकार कर भगा दिया। 18 से 59 साल के लोगों को दी जाएगी कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक। 15 जुलाई से चलाया जाएगा 75 दिनों तक विशेष अभियान। देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। 15 जुलाई से विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।